एंड लेट्स रिवाइज, ये आप पहले सीख चुके हैं। स्टेप्स टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक आयरन प्लस वाटर का रिएक्शन हो रहा है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग Fe3O4 प्लस H2, ये बना रहा है। इज इट अ बैलेंस इक्वेशन? नो। तो लेट्स बैलेंस इट। तो पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप वन, सिंपल सी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, उसके अंदर में ये पता लगाते हैं कि स्टेप टू के अंदर कि ये जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो कितने कितने क्वांटिटी अवेलेबल हैं। तो हमने एलिमेंट लिख दिए, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों साइड सेम चीज़ हैं, आयरन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई नया एलिमेंट ऐसे नहीं सोडियम आ गया, क्यों? क्योंकि सोडियम है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो सोडियम या सोडियम के कंपाउंड प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। तो हमारे हमेशा इसमें क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड है, बस कॉन्फिगरेशन मींस रीऑर्गेनाइज हो गए हैं एटम्स या एलिमेंट्स, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, अब यहाँ कहते हैं नंबर ऑफ एटम आयरन के कितने हैं, तो यू कैन राइट रिएक्टेंट्स में लिखो और नंबर ऑफ द एटम्स इन द राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में लिखो। लेफ्ट हैंड साइड में देखो आयरन कितना है, वी विल राइट आयरन 1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आयरन कितने हैं, 3 हैं, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। दिस इज सेकेंड स्टेप, ये आप दिमाग में भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, इसमें से सबसे इन पूरे नंबर्स में लेफ्ट हैंड साइड आइटम्स में देखो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, तो आप ध्यान से देखोगे इट्स 4। 4 क्या है? ऑक्सीजन। वो ये रहा देखो ऊपर, ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं बहुत ज़्यादा है, और किस साइड में है? ऑन द राइट हैंड साइड, इस इधर है, वो इधर भी हो सकते हैं, किधर भी हो, हमको हाईएस्ट देखना है। अब जो हाईएस्ट है उसको बैलेंस करो, इस साइड तो 4 है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? सिंगल। तो पहले इसको बैलेंस करेंगे, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। सो वी विल राइट कि इनिशियली लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, कहाँ पे ऑक्सीजन? पानी के अंदर है, H2O में। यहाँ पे इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। किसके अंदर है? Fe3O4 में। हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। दैट मींस हमको यहाँ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो लेट्स मल्टीप्लाई। तो यदि मैं इस ऑक्सीजन को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर इधर तो 4 ही है, तो दोनों तरफ बराबर हो गए। जब हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो विल राइट 4 हेयर, तो इसके आगे हम 4 लिख देंगे। तो आप देखो मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, और इस साइड 4 हो गए। तो मींस जो हाईएस्ट जिसका क्वांटिटी अवेलेबल है जिस भी एटम की, उसको सबसे पहले लेते हैं, उसको बैलेंस सबसे पहले करते हैं। क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि वो एटम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, और जब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रिएक्शन में उसका बोलबाला ज़्यादा रहेगा, ऐसे समझ लो, उसकी बात सुनी जाती है, जिसके पास मेजोरिटी होती है। डेमोक्रेसी में तो ऐसे ही है ना, जो ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसी की सरकार बनती है। बस वही चीज़ है यहाँ पे भी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जब हमने पहले वाले को कर लिया, अब हमको इसी स्टेप को रिवाइज करना है। सो लेट्स फाइंड आउट आयरन एंड हाइड्रोजन एटम, दे आर स्टिल नॉट बैलेंस, क्योंकि 3 में 2 तो बैलेंस, 1 तो बैलेंस हो गया। अब देखो इसको करने के बाद फिर देखो कि किसके हाईएस्ट हैं, क्योंकि हमने देखो पहले हाइड्रोजन में 4 नहीं था, यहाँ पे देखो कितने गए, 4 2 8। अब नाउ हाइड्रोजन एटम्स आर 8, आयरन अभी 1 है, तो किसको हम बैलेंस करेंगे पहले? हाइड्रोजन को। किस साइड में? राइट हैंड साइड में। सो लेट्स डू दैट। पहले यहाँ लिख लेते हैं कि अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो गए, देखो H2 के साथ 8 हो गए, राइट हैंड साइड में हमारे पास ओनली 1 है, ओनली 1 नहीं सॉरी 2 है, H2 है ना, 2 है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ इसको? 4 से। सो लेट्स मल्टीप्लाई, ये तो 8 के रेट, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई कर, आई विल राइट 4 हेयर ऊपर। तो लेट्स राइट नाउ, तो देखो 4 2 8, यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर हो गए, 4 2 8 हाइड्रोजन बराबर हो गए, ऑक्सीजन हम कह लेते हैं। अब बचता क्या? थर्ड आयरन, तो आप थर्ड वाले को करो। तो नेक्स्ट स्टेप इज फिफ्थ स्टेप, बैलेंस द लास्ट अनबैलेंस आइटम दैट इज आयरन। यहाँ कितने हैं देखो, 3, तो हम आगे इसके क्या ले सकते हैं? 3। तो नाउ दिस वे वी कैन से द आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट। बट सिक्स्थ स्टेप क्या बोलता है? फाइनली वी हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ लो। तो आयरन 3 है, आयरन 3 है, 4 2 8, 4 2 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, इट इज़ बैलेंस्ड। बेसिकली वी हैव डन द चेकिंग। सो ये जो मेथड होता है, दिस मेथड ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। कुछ और भी मेथड होते हैं, वो आप अपनी 11th क्लास में आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। ओके, देन वी राइट द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट्स, कि भाई ये आयरन और जो वाटर है या जो भी चीज़ है उसकी सॉलिड है लिक्विड, फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड लिक्विड गैस। और बहुत बार हम पानी में यदि किसी चीज़ को मिला देते हैं तो उसकी एक और स्टेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्वस स्टेट। जैसे नमक को पानी में मिला दिया तो नमकीन पानी हो गया, दैट मीन्स सॉल्ट नाउ इज़ इन द फॉर्म ऑफ NaCl इज इन एक्वस फॉर्म, इज़ अ लिक्विड फॉर्म, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है। नमक जो है इस समय सॉलिड फॉर्म में, नमकीन पानी के फॉर्म में,
राइट, वहाँ पे ए क्यू लिखते हैं एक्वियस, तो इसमें हम वी कैन राइट, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों तरफ हम लिख देते हैं। ओके, तो वी कैन राइट आयरन क्या था, सॉलिड फॉर्म में है, ये जो था हमने लिया वाटर गैसियस फॉर्म में था, इट प्रोड्यूस सॉलिड एंड इट इज़ गैसियस, हम ये बोल रहे हैं। ओके, आप बोलोगे वाटर यहाँ पे गैसियस फॉर्म में क्या है, ये बेसिकली एग्जांपल ऐसे है कि एक आयरन का आपका पिलर है, एक पूल लगा हुआ है पोस्ट, और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है भाप के फॉर्म में, वो धीरे धीरे आयरन को कोरोड कर देती है, कोरोड कर देती है, जंग लग जाती है, राइट, कोरोजन होता है, तो आयरन क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब रिएक्ट कर गया, तो वो तो वहीं हो जाता है ना, जंग तो वहीं रह जाती है, पानी आपको तब भी नहीं दिखता है, तो जो बाकी चीज़ होती है क्या, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में उड़ जाती है, दैट इज़ वाई वी हैव रिटन जी जी। वेरी गुड, एक काम और हो गया। नेक्स्ट स्टेप, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई जो अभी हम भूल रहे हैं, वो क्या, वी हैव टू राइट द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, किस टेम्परेचर में, एस टी पी पे है, किस पर है, कितने टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है जब ये रिएक्शन हो रहा है, एंड वट इज़ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मीन्स कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास पटाखे पड़े ना घर में, आपके पास माचिस भी है, पर वो पटाखे अपने आप जल नहीं रहे, ऐसा क्यों, क्योंकि कोई जलाने वाला नहीं है, कोई कैटलिस्ट नहीं है, तो वो कैटलिस्ट क्या होते हैं, आप होते हैं, आप माचिस को जलाते हैं और पटाखे में लगाते हैं तो ब्लास्ट होता है, ऐसे होता है ना, दैट इज़ वट इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट। तो रिएक्शन में भी सेम चीज़ होती है, जैसे एक ये रिएक्शन लेते हैं, सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन हुआ एट 340 एटमॉस्फेयर, मीन्स इतने प्रेशर पर इट प्रोड्यूस दिस मच। समटाइम देखो ये एक बहुत फेमस वो रिएक्शन है जो पेड़ों में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट मीन्स टेम्परेचर है, क्लोरोफिल मीन्स इज़ अ कैटलिस्ट, क्लोरोफिल पत्तों में होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, तो उस केस में होता है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड और पेड़ के अंदर जो पानी होता है दोनों रिएक्ट होते हैं, दे प्रोड्यूस ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड H2O, एज अ रिजल्ट हमारे पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं। तो आपको बैलेंस इक्वेशन करना आ गई,